चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन है, फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन द एरिया लाइंग बिटवीन द पैराबोलास y इज इक्वल टू 4x माइनस x स्क्वायर. y इज इक्वल टू 4x माइनस x स्क्वायर और एक लाइन है y इज इक्वल टू x. y इज इक्वल टू x. तो ये जो पैराबोला है ये कैसे इस लाइन के साथ जो कॉमन एरिया आएगा वो चीज आपसे कैलकुलेट करने को कहा गया है. तो क्या आपको करना है, किस तरीके से इसे सॉल्व करना है. हालांकि ये जो पैराबोला होगा कुछ इस तरीके का पैराबोला होगा. मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूं, कुछ इस तरीके का पैराबोला होगा. और y इज इक्वल टू x जो लाइन होती है ये हम जानते हैं इस तरीके की लाइन होती है. इन दोनों के बीच का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है. ये एरिया कैलकुलेट करना है. कैसे आप निकालेंगे, पहले तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना पड़ेगा. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों ग्राफ को सिंप्लीफाई करूंगा. तो 4x माइनस x स्क्वायर को किसके साथ, x के साथ इक्वेट करेंगे. तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो x कॉमन ले लीजिए 3 माइनस x. तो या तो x इज इक्वल टू में 0, या तो x इज इक्वल टू 0 हो गया, या तो x इज इक्वल टू हो गया 3. तो x की लिमिट तो आ गई और y की वैल्यूज आपको पता ही हैं. तो आप सीधा सीधा इंटीग्रेशन लगाएंगे, डबल इंटीग्रेशन. x है 0 से 3, y है कहां से कहां तक, x से लेके 4x माइनस x स्क्वायर तक dx dy. अब ये y की लिमिट है, किसकी वैल्यूज है y की लिमिट. तो पहले मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, इनटू में 1 मान लेते हैं. तो जब आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से 3 है लिमिट. ये हो जाएगा सीधा सीधा y, लिमिट लगेगी x 4x माइनस x स्क्वायर और dy, सॉरी dx, y के रिस्पेक्ट में तो मैंने कर दिया. तो ये हो जाएगा 0 से 3, अपर लिमिट 4x माइनस x स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट dx. 0 से 3, 3x माइनस x स्क्वायर dx. अब मैं फिर से इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस x क्यूब बाय 3, लिमिट क्या लगेगी 0 से 3. मैंने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया. अपर लिमिट आप पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करने पे ये हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा 27 बाय 2 माइनस ये हो जाएगा 27 बाय 3. लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, 27 कॉमन आ गया, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 1 बाय 6. 3 के टेबल से काटेंगे तो 9 बाय 2 आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल के आएगा. तो हमने क्या क्या किया, हमने y की वैल्यूज तो हमें पता थी कहां से कहां तक है, और लिमिट हमने क्या देखी, x की लिमिट 0 से लेके कहां तक जाएगी 3 तक. आपने इंटीग्रेट कर दिया, पहले y के रिस्पेक्ट में किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर x के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा. चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पेयर ऑफ कर्व्स. पहला कर्व है, हालांकि एक स्ट्रेट लाइन होगी, y इज इक्वल टू 2 माइनस x, और दूसरा है ये एक पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस x. ये दोनों हैं, इनके अंडर का अगर एरिया मेरे को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो मैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं, जिससे हमें y की तो लिमिट हमें पता पड़ गई कहां से लेकर कहां तक है, x की लिमिट हमें और निकालनी है. तो जिसके लिए मैं क्या करूंगा, इस कर्व को सिंप्लीफाई करूंगा. तो यहां इस वाले इक्वेशन में y की जगह हम क्या करेंगे, 2 माइनस x. तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस x, ये हमने पुट किया. तो या तो मैं डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दूं, या तो मैं सीधा सीधा इसे कैंसिल आउट करूं, पर अगर हम सीधा सीधा कैंसिल आउट ना करें तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर हम सिंप्लीफाई करेंगे. तो चलिए a माइनस बी का अगर आप होल स्क्वायर पुट करते हैं तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4x. 4x इज इक्वल टू 4 माइनस 2x. तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0. तो आप x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो एक तो x इज इक्वल टू 0 आएगा और एक x इज इक्वल टू 2 आएगा. तो अब मेरे पास x की लिमिट्स भी हैं, तो जो डबल इंटीग्रेशन बनेगा, x है 0 से 2, y है 2 माइनस x से लेकर, यहां पर y क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 माइनस x. y है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 माइनस x तक,
इसके बाद है डी वाई डी एक्स या डी एक्स डी वाई। तो पहली लिमिट ये जो y की है, तो y के रिस्पेक्ट में आप इसे करेंगे इंटीग्रेट। देखिए क्या होगा, तो ये 0 से 2 है लिमिट, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो सीधा सीधा y आ जाएगा 2 माइनस एक्स, अपर लिमिट है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 माइनस एक्स और dx। तो 0 से 2 अपर लिमिट हो गई y की जगह 2, और मैं 1/2 पावर लगाता हूँ, और 2 माइनस एक्स की पावर भी मैंने क्या लगाया 1/2, माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी सीधा सीधा 2 माइनस एक्स, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, पूरे को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 to the power 1/2 है कॉन्स्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 माइनस एक्स को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप ये जानते हैं, 2 माइनस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 माइनस एक्स to the power 3/2 upon 3/2, और माइनस एक्स का डिफरेंसिएशन -1 आ जाएगा अपॉन में। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन, माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा फाइनली, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। इतना हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अभी हमें लिमिट क्या लगानी है, 0 से 2 लगानी है। तो जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, तो ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 0। फर्स्ट टर्म तो क्या हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया। सेकेंड टर्म बचेगा मेरे पास, सेकेंड टर्म हो जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/2। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, माइनस लोअर लिमिट जब मैं पुट करूंगा 0, तो देखिए 2 to the power 1/2 है, बात को बहुत ध्यान से समझना है, 2 to the power 1/2 है। 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 to the power 3/2 हो जाएगा, अपॉन में है माइनस ऑफ 3/2 है, फिर 0 पुट करेंगे ये भी 0 ये भी 0, इतना आ गया मेरे पास। तो ये है -4 4/2 मतलब 2, ये है -4 + 2 तो ये हो गया -2, ये हो गया प्लस, 2 ऊपर चला जाएगा 2/3, और ये 2 to the power 1/2 3/2 तो ये हो गया 2 की पावर 4/2, जिसका मतलब हो जाएगा स्क्वायर। तो -2 + 2/3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो -2 + 8/3। अब 8/3 को -2/3 के साथ हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 8 दिस इज 2/3, 2/3 आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। एलसीएम लेना बस -6 + 8 तो 2/3। तो हमने क्या क्या कर दिया, y की लिमिट हमें डायरेक्टली पता थी, बस y स्क्वायर था तो हमने रूट लगा दिया। x की लिमिट निकालने के लिए दोनों कर्व को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अगर आप डायरेक्ट इक्वेट कर देंगे 2 माइनस एक्स से 2 माइनस एक्स कट जाएगा तो भी आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, पर उस केस में कैंसिल आउट करने पे एक जो वैल्यू होती है ना वो एलिमिनेट हो जाती है, इसलिए हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे, हम पूरा पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। जिसके बाद मैं पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर जो भी आएगा उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस द एरिया बिटवीन द कर्व्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। एक तो फंक्शन मेरे पास ये है और दूसरा है मेरे पास x प्लस y इज इक्वल टू a। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखिए एक सर्कल है और एक लाइन है, दोनों के कर्व का कॉमन एरिया निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इनका कॉमन पॉइंट निकालूंगा। यहां पर y इज इक्वल टू a माइनस x है, जिसे मैं यहां पर पुट करता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करने के लिए, तो चलिए पुट कीजिए इसे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, 2x स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। 2x अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस a बचेगा इज इक्वल टू 0। तो या तो x इज इक्वल टू 0 आएगा या तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, a आएगा, मतलब x की तो लिमिट हमें पता पड़ गई। y की लिमिट बहुत आसानी से आप देख पा रहे हैं, y इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से y हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पर पता ये करना है कि इनमें से कौन सी अपर लिमिट कौन सी लोअर लिमिट, हालांकि ये आप अपर लिमिट लगाइए या आप लोअर लिमिट लगाइए, पर अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए जो 0 से a के बीच में है, तो आप कहेंगे सर a बाय 2 पे चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, a बाय 2 पे चेक करते हैं। तो a बाय 2 पे चेक करेंगे तो a माइनस a बाय 2 ये तो क्या आएगा, a बाय 2। यहां चेक करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4।
तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी कितना, 3a² / 4, वो भी रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा a² / 4, a बाय 2 तो आएगा ही आएगा, साथ में अंडर रूट 3 भी आएगा, तो ये तो सिर्फ a बाय 2 था, ये रूट 3 a बाय 2 है, मतलब ये वैल्यू बड़ी है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर मेरा x जो है वो कहां से कहां तक, 0 से a के बीच में है, तो जो वैल्यू है अंडर रूट ऑफ a² - x² क्या होगा, बड़ा होगा किससे, a माइनस एक्स से। तो इसीलिए ये अपर लिमिट बनेगी और ये लोअर लिमिट बनेगी। अब देखिएगा इंटीग्रेशन में x की लिमिट हो गई 0 से a, y की लिमिट कहां से कहां तक हो गई, a माइनस एक्स से अंडर रूट ऑफ a² - x² dx/dy, इतना हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब पहले तो हम, क्योंकि ये y की लिमिट है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो सीधा सीधा 0 से a हो जाएगी लिमिट, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y अपर लिमिट अंडर रूट ऑफ a² - x² अपॉन लोअर लिमिट है a माइनस एक्स dx, अभी भी बचा है, 0 से लगेगी लिमिट a तक, तो अपर लिमिट मतलब अंडर रूट ऑफ a² - x² माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी a माइनस एक्स। अब क्या आएगा साथ में, dx। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, तो अंडर रूट a² - x² का इंटीग्रेशन होता है x बाय 2 अंडर रूट ऑफ a² - x² प्लस a² / 2 साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस a की हो जाएगी ax इंटीग्रेशन, माइनस माइनस प्लस x है तो x का हो जाएगा x² / 2, लिमिट 0 से a। अब जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो a² - a² x की जगह a पुट करेंगे तो ये 0, लोअर लिमिट पे भी ये वाला पार्ट तो 0, हमें करना है इन दोनों पार्ट्स को। जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, पहले अपर लिमिट रखूंगा तो ये हो जाएगा a² / 2 साइन इनवर्स a / a माइनस a ही पुट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा प्लस a² / 2, लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन इनवर्स 0 भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो देखिए a² / 2 साइन इनवर्स a / a हो गया 1, जिसका मतलब होता है π/2, ये माइनस a² + a² / 2 भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a² / 2, a² / 2 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, π/2 - 1, आप क्या लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा π - 2/2 और ये वाला 2, तो कुल मिला के a² π - 2/4, ये आपके इक्वेशन का क्या निकल के आएगा, फाइनल आंसर। तो हमने क्या क्या कर दिया, पहले हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, फिर हमने ये पता किया कि y में कौन सी अपर लिमिट बनेगी, कौन सी लोअर लिमिट, इसके लिए ये दोनों y की वैल्यूज को आप कंपेयर कर सकते हैं, इस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आप a/3 ले लो, a/4 ले लो, a/5 ले लो, 0 से a के बीच में कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। मैंने चेक किया तो ये वैल्यू बड़ी आ रही थी, तो ये अपर लिमिट बनेगी, ये लोअर लिमिट, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा।